हेलो एवरीवन, दिस इज मी मनोज इंग्लिश कोच। वेलकम टू लव इंग्लिश। और आज के लेसन में क्लास सिक्स हनीसकल बुक का चैप्टर 8 अ गेम ऑफ चांस की समरी को डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। अ गेम ऑफ चांस इज अ स्टोरी ऑफ अ बॉय नेम राशिद एंड दिस इज हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट हैपन टू हिम इन द ईद फेयर। गेम ऑफ चांस एक कहानी है। एक लड़का है जिसका नाम है राशिद और ईद फेयर यानी कि ईद मेले में जो उसके साथ होता है ये उसका डिस्क्रिप्शन है, वर्णन है। एवरी ईयर देयर इज अ बिग फेयर इन द विलेज। हर साल गांव में एक बहुत ही बड़ा मेला लगता है विच रन्स फॉर डेज और जो कि बहुत दिन तक चलता है। राशिद डिसाइड्स टू विजिट द फेयर और राशिद फैसला करता है कि वह मेले में जाएगा। हिज अंकल अग्रीज और उसके चाचा सहमत हो जाते हैं एंड टेक्स हिम टू द फेयर और उसको मेले में लेके जाते हैं विथ हिज वर्कर, उसके चाचा जी के साथ जो काम करने वाला एक लड़का है उसके साथ। राशिद कॉल्स द वर्कर एज भैया और जो राशिद है वो उस काम करने वाले लड़के को भैया कह के बोलता है। ड्यूरिंग द विजिट टू द फेयर हिज अंकल हैड सम फ्रेंड्स एंड अंकल वेंट अवे। जो मेला है उसके विजिट के दौरान, जब वो मेले में गए तो उसके विजिट के दौरान जो उसके चाचा हैं उनसे कुछ दोस्त मिलने आए और उनके चाचा चले गए। वेंट अवे का मतलब चले गए ना। राशिद वॉज अलोन विद भैया। अब क्योंकि उसके चाचा चले गए हैं तो अब राशिद और वो भैया दो लोग अब साथ में हैं। राशिद इन दी फेयर। अब हम देखते हैं कि राशिद के साथ मेले में क्या हुआ। राशिद स्टार्टेड विजिटिंग द शॉप्स इन द फेयर और राशिद जो मेले में बहुत सारे दुकानें उनको विजिट करने लगा, उनके पास जाने लगा। देवर शॉप्स फॉर एवरी आइटम और वहाँ पे हर तरह की दुकानें थी, हर आइटम की दुकान, हर एक आइटम की दुकान थी, हर एक चीज़ की वहाँ पे दुकान थी। अ पेन, अ पेंसिल एंड मैनी टॉयज, पेन पेंसिल और बहुत सारे खिलौने की शॉप्स भी थी। ही सॉ अ लकी शॉप देयर और फिर उसकी नज़र किस पे पड़ी, एक लकी शॉप पे। लकी का मतलब था किस्मत, भाग्यशाली दुकान पे पड़ी। द लकी शॉप वॉज लाइक अ गैम्बलिंग गेम। जो लकी शॉप था, जो भाग्यशाली शॉप थी, वो क्या था, एक गैम्बलिंग, गैम्बलिंग का मतलब था जुआ, जहाँ पे लोग जुआ खेलते हैं, ये शॉप उस तरह की थी। द ट्रेड्समैन वॉज गिविंग हिज विजिटर्स एन ऑप्शन टू पिक 6 डिस्क्स एट 50 पैसा। और जो दुकानदार था, ट्रेड्समैन था, वो जो भी ग्राहक थे, जो विजिटर्स थे उसके दुकान पे जो आ रहे थे, वो 50 पैसे में 6 डिस्क्स दे रहा था। डिस्क एक गोल होता है, लकड़ी की गोल आकार के शेप की बनी हुई होती है, उसे हम डिस्क बोलते हैं। देयर वर आर्टिकल्स लाइक अ वॉच, पेन, पेंसिल, कॉम्ब्स एट्सेट्रा। और वो डिस्क को क्या करना होता है आपको, जो घड़ी, पेन, पेंसिल और कंघी और बहुत सारे आइटम्स रखे होते हैं, आपको वो डिस्क उस पर फेंकना होता है और उस डिस्क के अंदर जो सामान आएगा वो सामान आपका हो जाता है। तो ये उस तरह का गेम था। दीज आर्टिकल्स कंटेन्ड सम नंबर्स और इन सामान के ऊपर कुछ नंबर्स भी लिखे हुए थे। इफ द सम ऑफ द डिस्क मैच्ड विद द आर्टिकल नंबर द शॉपकीपर वॉज गिविंग द विजिटर दैट आर्टिकल। और जितने भी डिस्क में अगर मैंने कुछ भी किसी भी सामान में फेंका है और सारे डिस्क के जो नंबर हैं उसको हम मैच करेंगे, जोड़ेंगे और वो जो जोड़ उस सामान वाले सामान के ऊपर भी एक नंबर लिखा हुआ है उस सामान से मैच करता है तो वो शॉपकीपर आपको क्या करेगा, वो आर्टिकल दे देगा, वो चीज़ आपको दे देगा। राशिद सॉ दैट एन ओल्ड मैन केम एंड गॉट अ वॉल क्लॉक वर्थ 15 रुपीज़। राशिद ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी आया और उसको 15 रुपये की दीवार घड़ी मिली। आफ्टर दैट और उसके बाद अ बॉय केम एंड ऑल्सो वन अ हेफ्टी सम ऑफ मनी बाय सेलिंग दी वन रिस्ट वॉच, अ फाउंटेन पेन एंड अ टेबल क्लॉक। उसके बाद एक लड़का आया, उसको भी बहुत सारी बड़ी रकम मिली यानी कि उसने भी पैसे जीते और फिर जो उसने जीती थी घड़ी और एक पेन और टेबल क्लॉक उसको बेच के उसने पैसे लिए। तो ये राशिद को बहुत अच्छा लगा देखकर। राशिद विद द लकी शॉप। अब देखते हैं कि राशिद के साथ उस लकी शॉप में क्या हुआ। राशिद वॉज पजल्ड। राशिद बहुत असमंजस में था, पजल्ड का मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज था वो, उसको नहीं समझ आ रहा था कि क्या करूँ। एंड डिसाइडेड टू प्ले द गेम और फिर उसने फैसला लिया कि
कि वो इस गेम को खेलेगा। इंस्टेड ऑफ विनिंग प्रेशियस थिंग्स, बजाय कि अच्छी बहुमूल्य चीज़ जीतने के, राशिद वन टू पेंसिल्स एंड एन इंक बॉटल, उन्हें दो पेंसिल और एक इंक बॉटल जीती। द शॉपकीपर बॉट दीज आइटम्स फॉर 25 पैसा ईच एंड लेट द राशिद प्ले अगेन। राशिद ने जो दो पेंसिल और एक इंक बॉटल जीती थी तो दुकानदार ने उसे वो वापस ले लिया था, वापस खरीद लिया था 25-25 पैसे में, और फिर राशिद को बोला कि दोबारा से आप खेल सकते हैं। राशिद केप्ट ऑन ट्राइंग, राशिद कोशिश करता गया एंड स्पेंड ऑल दी मनी, उसने सारे पैसे खर्च कर दिए। नाउ विथ नो मनी राशिद फेल्ट डिसअपॉइंटेड, और राशिद बहुत हताश हो चुका था क्योंकि वो अपने सारे पैसे हार चुका था। ही थॉट दैट ऑल दिस डिपेंड्स ऑन लक एंड ही डज नॉट हैव दैट वन। उन्होंने सोचा कि ये जो भी चीज़ है, क्योंकि वो हार चुका है तो वो सोच रहा है कि ये सब किस पे डिपेंड करता है, निर्भर किस पे करता है, ये भाग्य पे निर्भर करता है, और वो ये सोच रहा है कि मेरे पास आज मेरा भाग्य है ही नहीं। सून इज अंकल अराइव, और उसके बाद उसके चाचा जी आए, अराइव बैक एंड सो फेडेड राशिद, और फिर उन्होंने राशिद का मुरझाया हुआ चेहरा देखा। भैया टोल्ड एवरी इंसिडेंट, और जो भैया थे उन्होंने सारा घटना बता दी उसके चाचा की। अंकल बॉट मैनी थिंग्स, अंकल ने बहुत सारी चीज़ें खरीदी, फ्रूट्स, चॉकलेट्स फॉर राशिद, राशिद के लिए फल खरीदे, चॉकलेट्स खरीदे ना। राशिद वॉज हैप्पी, अब राशिद बहुत ज़्यादा खुश था। ऑल ऑफ देम रिटर्न टू दी होम, सारे लोग वापस घर आए। इन द हाउस दी अंकल आज राशिद, घर में चाचा जी ने राशिद से पूछा, डू यू नो दैट शॉपकीपर ट्रिक यू, क्या आपको पता है उस दुकानदार ने आपको ठग लिया, ट्रिक कर लिया, ट्रिक का मतलब चाल चलना। राशिद रिप्लाइड, इट वॉज नॉट इन माई लक टू गेट दोज आर्टिकल्स, राशिद ने बोला कि वो जो सामान थे, आर्टिकल्स थे, वो मेरे लक में था ही नहीं, मेरे किस्मत में था ही नहीं। अंकल रिप्लाइड, अंकल ने बोला, नो राशिद, नहीं राशिद, इट वॉज नॉट अबाउट द लक, ये लक के बारे में नहीं है। दैट ओल्ड मैन एंड द बॉय वो फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर, वो बूढ़ा आदमी जो घड़ी जीता था और वो जो लड़का जिसने बहुत सारे पैसे जीते थे, वो शॉपकीपर का फ्रेंड था, वो दुकानदार का दोस्त था। दे ल्योर द कस्टमर टू प्ले एंड लूज, वो कस्टमर को क्या करते हैं, फंसाते हैं ताकि कस्टमर खेलें उनका गेम और हार जाएं। मोरल ऑफ द स्टोरी, अब हमें इस स्टोरी से क्या समझ आती है। इन दिस स्टोरी वी सी दैट ओल्ड मैन एंड द बॉय ल्यूड राशिद इन टू द गैम्बलिंग गेम, हमने ये देखा कि जो बूढ़ा आदमी था और जो लड़का था उसने राशिद को उस गैम्बलिंग जुए के खेम में ट्रिक कर दिया, लालच दिया उनको। दिस स्टोरी टीचेज अस दैट वी शुड थिंक रैशनली, और इस स्टोरी से हमें ये भी पता चलता है कि हमें रैशनली सोचना चाहिए। रैशनली का मतलब है किसी भी काम को करने से पहले अच्छे से सोच समझना। इफ अ पर्सन इज गिविंग एन आर्टिकल एट अ लोअर प्राइस, अगर कोई पर्सन, कोई व्यक्ति कोई सामान को सस्ते दामों में बेच रहा है, देयर मे बी सम ट्रिक, उसके पीछे हो सकता है कोई छल हो, छल कपट हो, और रीजन बिहाइंड इट। सो दिस वॉज द समरी ऑफ दिस स्टोरी, आई होप यू अंडरस्टूड दिस स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आज का लेसन अगर आपने इन्जॉय किया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें नॉलेज अपने फ्रेंड्स के साथ, कॉमेंट सेक्शन में आप मुझे अपने फीडबैक दीजिए। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग लेसन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश।